असी परसों रात को बुधवार रात को असी इत्थे बॉडी इत्थे प्रदर्शन करा के गए हैं, पर उहदे च इन्हां ने सानू पूरा आश्वासन दवाया कि साडे जिहड़े फ्रीजर आ प्रॉपर काम करदे आ। एक्चुअली इन्हां कोले दो फ्रीजर ने जिन्हां दे विच दो दो आदमियों डेड बॉडीज़ नूं रखण दी टोटल चार आदमियों की जगह, उन्हां विचों इक जिहड़ा तुहाडे सामने एक वार तुसीं उहदे कैमरे देख लो वह खराब पिया होया जी, उस दिन भी वह खराब सी। फ्रीजर साढ़े ठीक चल रहे थे, कल भी एक असी रिश्तेदार नू बॉडी हैंडओवर की है, ऐसी फ्रीजर में बॉडी सी, बॉडी बिल्कुल ठीक सी। खबर ने श्री मुक्तसर साहिब सरकारी हस्पताल की लापरवाही आई सामने, मौचरी विच रखी लाश हुई गायब। कल श्री मुक्तसर साहब दे लक्खीवाली विच करंट लगन कारण एक नौजवान की मौत हुई सी और उन्हां दी मृतक देह नूं श्री मुक्तसर साहब दे सरकारी हस्पताल दे मौचरी विच रखिया गया सी, पर सरकारी हस्पताल मौचरी की लापरवाही उस समय सामने आई जदों मौचरी विच रखी मृतक देह खराब हो गई ते नौजवान दे परिवार ने सरकारी हस्पताल दे मुलाजमां ते दोष लगा के दस्सिया कि सरकारी हस्पताल दी लापरवाही है। असी एक दिन पहला मृतक दे रखी सी, जदों असी आए तो मृतक दे खराब हुई पई सी, असी मुलाजमान नाल गलबात कीती, उन्होंने कहा कि फ्रिज का पखा खराब हो गया सी जिस कारण खराब हो गई। उधर SMO भुपिंदर जीत कौर नाल गलबात हुई तो उन्होंने कहना है फ्रिजर का पखा खराब हो गया। वेखो पूरी खबर। मेरा जी पिंड पाकसर, मेरा नाम रणदीप सिंह है जी, मेरा कजन सी जी, ये 20 साल 22 साल की एज सी, इन्हां दी डैथ हो गई है। डैथ बै जी खेत काम करते थे जी, उ मतलब कलके डिग पे जी, तो उत्थे डैथ हो गई सी इन्हां दी, सिर वज गया सी। भाई जी कितनी उम्र थी? 22 साल उम्र सी इन्हां दी जी, ते चार भैणां दा कल्ला भाई सीगा जी, फादर साहब दी साडे चाचा जी दी पहलां डैथ हो चुकी है। चलो वह तो मोड़ के नहीं असी लिया सकते सीगे, पर हुण कारण की सी, असी इत्थे बॉडी प्रिजर्व करनी सी क्योंकि साडी बेटी उत्थों कैनेडा तो आ रही सी, उन्होंने अज शाम नूं पहुंचना है। असी परसों रात को बुधवार रात को असी इत्थे बॉडी इत्थे प्रिजर्व करा के गए हैं, पर उहदे च इन्हां ने सानू पूरा आश्वासन दवाया कि साडे जिहड़े फ्रीजर आ प्रॉपर काम करदे आ। एक्चुअली इन्हां कोले दो फ्रीजर ने जिन्हां दे विच दो दो आदमियों नूं डेड बॉडीज़ नूं रखण दी टोटल चार आदमियों की जगह, उन्हां विचों इक जिहड़ा तुहाडे सामने एक वार तुसीं उहदे कैमरे देख लो वह खराब पिया होया जी, उस दिन भी वह खराब सी। जिहड़ी बॉडी इत्थे उस दे विच इक होर पई सीगी जी, असी इन्हां नूं, मैनूं इह लग्गिया कि उत्तों थोड़ा स्मैल आ रहा है, मैंने उन्होंने वारी वारी वेरीफाई करने वास्ते पूछा कि तुम जी सू दस दो अगर मूव कर जाने जी, थोड़ी कोई प्रॉब्लम आता, कहते जी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बॉडी रख के इतने जा सकते हो। अज असी इन्हों सुबह जो पूछा, इन्हों का सूँ कोई कॉल नहीं गई कि साडा जी सिस्टम खराब हो गया, जे कहते जी साडा रात को सिस्टम खराब हो गया तो कि ड्यूटी बाउंड नहीं, जिन्हों सा सू किसी भी फैमिली मैंबर सुबह दस दे कि जी साडा सिस्टम खराब हो गया, ये प्रॉब्लम तो नहीं गई। ये उदू बाद कहते असं जी थोड़ा दसते हैं, इन्हों का दुबारे जो वेख के जाते हैं बॉडी इतने डीकंपोज टोटली, जो तुम वेख के भी शायद आए हो चुकी सी, सानू उदो कहते जी तुम बॉडी अगे मूव कर लो, साडा सिस्टम जी खराब होना शुरू हो गया। अच्छा उस तो बाद जी असं जो इतने आने बॉडी मूव करने वास्ते जो लेंगे तो उत्थे जी तुम जो सिचुएशन तुम देख चुके हो, तो वह हम ये कहें जी अस तो दो घंटे बाद चेक कर रहे हैं, और जिहड़ा उत्थे सो बॉडी असी लैन लगदे आ जिहड़ा चेक करन वाला आदमी वह क्लास 4 इन्हां दा अफिसर है, कोई इत्थे जिहड़ा इन्हां दा कोई भी कंसर्नड अफिसर हजे तक भी हो, तुसीं उन्हां नूं जाके पुछो कि तुहाडा जिहड़ा अफिसर हैगा इत्थे जिहड़ा इन्हां दी ड्यूटी देखनी है मॉर्चरी दी, कि वह अवेलेबल है, चाहे वह नर्स है चाहे वह डॉक्टर है या जो भी है, इत्थे क्लास 4 काम कर रहा जी, एक सिस्टम खराब पिया जी, दूजे सिस्टम ने अज साडा जी बच्चा दूरी आर मारता, की डिमांड कर सकदे आ जी, इन्हां ते बनदी कार्रवाई करो जी। एक मावां दे पुत्त जिहड़े इत्थे मर के आउंदे आ जी, इन्हां नूं कोई सेक नहीं जी, जदों उदों पहलां मैं इन्हां नूं बॉडी लैण वास्ते उन्हां दे कोल जांदा, मैनूं 10 मिनट उत्थे वेट कराई जांदी है, इक जवान पुत्त मरे जिहदा होवे ओह भैण भाई उत्थे किवें वेट कर सकदा है, चलो कोई गल नहीं असीं कर ली जी, असीं तां बच्चा लैके ही जाणा सी, अग्गे तो हुण डीकंपोज हो चुकना, सानूं तां इसी भी शुरू होया जी, पर उह तां खतम हो चुक्या जी, तुसीं जाके जे नहीं देखिया तां प्लीज़ देख के आओ जी, ते देखो जी भी की एक किसी हिसाब में किसी पास इन्हों का जो ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन मैडम कह रहे हैं कि विभागी जो है हम ये तो जी यही दस सकते हैं, असं तुम इस चीज बेहतर दस सकते हैं, ये तो हम इन्हों की वो जॉब है जी, पर विभागी कार्रवाई के नाम से जो आप गल कह रहे हैं, मैंने ये कोई जस्टिफाइड नहीं लगता, मैंने तो लगता जी उन्होंने आपका
नैतिकता के तौर पर क्योंकि वो इतने सारे जिले में हैड कर रहे हैं उन्होंने नैतिकता के तौर पर आप इस्तीफा देना चाहिए। ओके इदा है कि परसों बुधवार राती बॉडी रख के गए सी, ठीक है, फ्रीजर साडे ठीक चल रहे थे, कल भी एक असी रिश्तेदार नू बॉडी हैंडओवर की है, ऐसी फ्रीजर विच बॉडी सी, बॉडी बिल्कुल ठीक सी, ते अज सवेरे जो आए हैं तो राती शायद कितने फ्रीजर का ब्रेकडाउन, शायद पंखा खराब होया, सवेरे आंदे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने दसिया कि पंखा ठीक नहीं चल रहा। हां जी, रात ते जिहड़ा एमरजेंसी स्टाफ हुंदा पूरा हुंदा ड्यूटी ते, राती जो ड्यूटी ते आंदे ने देखदे ने, सवेरे भी देखदे ने। देखो 20 साल पुराने फ्रीजर ने, बहुत वारी खराब हो चुके ने, बहुत वारी असी ठीक कराए ने, सरकार नु असी लिख के दिता है कि असी डिस्ट्रिक्ट लेवल हैगा, साडी मोर्चरी डिस्ट्रिक्ट दी हैगी है, ते सानू ए पुराने फ्रीजर ने बार बार खराब हुंदे ने, ते सानू दो नवे फ्रीजर दिते जान। पोस्टमार्टम होंदे ने, इदां दी कदे प्रॉब्लम नहीं आई हैगी। श्री मुक्तसर साहब तो बूटा सिंह दी रिपोर्ट।